हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली तो कैसे हैं आप सब आशा करती हैं स्वस्थ होंगे और मस्त में होंगे तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं फ्रेंड आज हमने बनाई है यूपी बिहार की फेमस दाल की पूरी जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बना के इसे हम तैयार करेंगे और बहुत ही चटपटी बन तैयार होती है तो चलिए इसे हम फटाफट से बना लेते हैं फ्रेंड अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उस देख पाए दाल वाली पूरी बनाने के लिए हमने चने दाल को तीन चार घंटे के लिए भिगा दिया था ताकि ये थोड़ा फूल जाए फूले हुए चने दाल की जब बनाएंगे तो आराम से ये जो पक जाते हैं चने दाल और बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है क्योंकि फूले हुए दाल को पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है आ, हमने ले लिया है कुकर और कुकर में मैं पानी के साथ ही डाल देती हूँ चने दाल को और कुकर का ढक्कन लगा के चार विसल आने तक हम दाल को बॉयल कर लेंगे चने दाल को पकने में थोड़ा टाइम लगता है तो इसे चार विसील आने तक हम इसे पकने देंगे गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे तब तक हम आटा गूंथ लेंगे तो ये हमने आटा लिया है नॉर्मल सा ही गेहूँ का आटा हमने लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसे गूंथ के तैयार कर लेते हैं हमें सॉफ्ट सा डो बना के इसका तैयार करना है टाइट नहीं बनाना है तो बिल्कुल सॉफ्ट सा हमने देखिए इसे गूँथ लिया है ये देखिए इसी तरह का चाहिए अभी इसे हम ढक के रख देंगे ताकि जो आटा है बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए और चलिए दाल को देख लेते हैं कि दाल हमारी पकी है कि नहीं दाल हमारी बिल्कुल अच्छे से गल गई है ये देखिए मैं आपको हाथों से मसल करके दिखा रही हूँ कि दाल हमारा कितना अच्छे से सॉफ्ट हो गया है देखिए बिल्कुल मैसी मैसी से हो गए हैं तो अभी हम एक छन्नी में दाल को छान लेंगे ताकि इसका पानी बिल्कुल अच्छे से निकल जाए तो ये हमने छन्नी लिया है अब दाल को हम छान देंगे बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए दाल में नहीं तो इसकी जब फिलिंग बनाएंगे तो फिर पूरी भरने में हमें दिक्कत हो जाएगी बिल्कुल अच्छे से पानी इसका हम निकाल लेंगे और पेन में मैं डाल दे रही हूँ एक चम्मच तेल और तेल में मैं डालूंगी एक चम्मच जीरा जीरा को अच्छे से हमें चटका लेना है जीरा का फ्लेवर दाल वाली पूरी में बहुत अच्छा आता है तो जब भी बनाए दाल वाली पूरी तो इसमें जीरा ज़रूर डालिएगा और जीरा को हल्का इन्हें भून लेना है ताकि इसका फ्लेवर जो है बहुत अच्छे से आ जाए इसको चटपटा थोड़ा बना के तैयार करेंगे उसके लिए हम कुछ इसमें मसाले ऐड करेंगे तो पहले हम जीरे को अच्छे से चटका लेंगे मसालों में थोड़ा सा हम इसमें डाल देते हैं ये अदरक और लहसुन और हरी मिर्च है तो इसे हमने दरदरा सा कूट लिया था और उसे हम इसमें डाल देते हैं ऐसे अभी हम भून लेंगे तो इसे हमारा जो दाल वाली पूरी है बहुत ही अच्छी चटपटी बनके तैयार होगी आप इसे बगैर सब्जी के बगैर चटनी के भी इसी तरह से खा सकते हैं आधा चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर आधा चम्मच जीरा पाउडर आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और तीखे के लिए और ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो लाल मिर्ची डालिए नहीं तो हमने इसमें डाला है आपका हरा मिर्च दरदरा से कूट के मैंने डाला है इसलिए मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर नहीं डाल रही हूँ और सारे मसालों को थोड़ी देर हम भून लेंगे जैसे हमारे मसाले भून जाएंगे उसके बाद हम इसमें दाल को डाल देते हैं दाल को भी इसी तरह से मसालों के साथ अच्छे से चला लेंगे और एक दो सेकेंड अच्छे से दाल को भी हम भून लेंगे दाल को हमने बिल्कुल अच्छे से भून लिया है और हमने लिया है पोटैटो मैसेज और उसी से हम पूरे दाल को बारीक कर लेंगे बहुत ही अच्छे से दाल जो पक जाए तो बिल्कुल अच्छे से बारीक हो जाते हैं खड़े खड़े दाल इसमें नहीं दे, दे यानी साबुत दाल नहीं दिखते हैं तो हमें दाल को पकाने समय इस चीज़ का बहुत ही बारीकी से ध्यान देना होता है जब हम दाल की पूरी बनाते हैं कि दाल बिल्कुल अच्छे से बॉईल होना चाहिए तभी हमारी जो दाल की पूरी है अच्छी बनेगी टेस्टी बनेगी और पूरे दाल को देखिए हमने मैश कर दिया बिल्कुल अच्छे से बारीक हो गए हैं इसी तरह का हमें दाल चाहिए पूरी बनाने के लिए और देख लीजिए कितने अच्छे से दाल जो है बारीक हो गए हैं मसाला हमारा बन के तैयार हो गया है दाल का तो चलिए अब इसे ठंडा कर लेंगे और जो हमने आटा को गुद के रखा था सॉफ्ट सा उसकी हम इस तरह की छोटी सी लोई बना लेंगे तो लोई हमें बनाना है जैसे कि हम रोटी की लोई बनाते हैं उतना ही साइज का इसका बनाएंगे और थोड़ा सा हम सूखा आटा डाल के इसकी हम कटोरी का सेब बनाएंगे लेकिन पहले सारी आटे की हम लोई इस तरह से गोल गोल बना के और तैयार कर लेते हैं सारी लोई को बना लिया है मसाला भी हमारा दाल बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है अब इस सूखे आटे में लोई को हम इस तरह से डिप कर देते हैं और डिप करने के बाद जो हमने मसाला बना के रखा है दाल का उसे हम इसमें भरेंगे इस तरह से हमने कटोरी जैसा बना लिया है आटे की लोई का और इसमें हम मसाले को भरेंगे और इसे कैसे बनाना है वो भी हमने बता दिया है कि उंगली की सहायता से हमें इसे बनाना है जिससे इसकी कटोरी बढ़िया से बन जाए और इसमें जितना आ सकेगा उतना ही फिलिंग भरेंगे ज़्यादा नहीं भरेंगे क्योंकि हमें इसे बेलना भी है तो मैंने एक चम्मच बड़े चम्मच से जिसे खाना खाती उसी से हमने एक चम्मच भरा है अब इन्हें ना हम बिल्कुल अच्छे से इस तरह से पैक कर देंगे ताकि ये फटे नहीं बिल्कुल अच्छे से सील करेंगे तो ये फटते नहीं हैं और बहुत ही अच्छी पूड़ियाँ बन के तैयार होती है इस तरह से बना लिया है अब हमें इन्हें बेल तो हमने इस तरह का चकला लिया है थोड़ा सा इसमें सूखा आटा छिड़क देंगे और इसमें हम रख के इसे बेलेंगे अब चाहे तो इसे तेल लगा के भी बेल सकते हैं या फिर घी लगा के बेल लीजिए तो मैं थोड़ा सा आटे को ही इस पर इस तरह से छिड़क के और पूरी का जैसा हम इसे बेल के तैयार करेंगे बस पूड़ी इतना हमें पतला नहीं करना क्योंकि हमने दाल भरी है इसमें तो ये फटने की चांस रहेगी अगर दबा के बेलेंगे तो तो बस इसे हम हल्का सा मोटा रखेंगे ताकि ये फटे नहीं और इतने सारे हमने बना लिए तो चलिए इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं तो तलने के लिए हमने पेन में रखा था तेल इसमें एक छोटा सा टुकड़ा डाल दिए हैं ताकि तेल का टेम्परेचर पता चल सके और तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म है इतना ही टेम्परेचर चाहिए गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और जो हमने पूरी बना के रखी उसे हम इसमें डाल के उसे तलेंगे जो छोटा टुकड़ा डाले थे उसे हम निकाल लेते हैं और इसमें हम अपनी पूरी को डालेंगे ये दाल वाली पूरी हमने इसमें भर के जो बेल के तैयार किया था उसे हम डाल देते हैं और डालते के साथ में देखिए इसमें झाग उठ रहे हैं धीरे धीरे जो पूरी है अपने आप तेल के ऊपर तैरने लगेगी ये बहुत ही अच्छे से फूल भी जाते हैं और इनका स्वाद ही बहुत लाजवाब लगता है आप इसे ब्रेकफास्ट में बनाइए बहुत ही टेस्टी लगता है और यूपी बिहार का खास दाल पूरी है तो इसे ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा आपको बहुत पसंद आएगा और इसे जैसे कि तेल के ऊपर जैसे ही तैरने लगेंगे तो थोड़ा सा हम इन्हें प्रेस कर देंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से फूल जाए और देखिए गुब्बारे किस तरह ही ये फूल रही है फट भी नहीं रही है तो हमने इसे बेला ही है इस तरह से ताकि ये फटे नहीं और गुब्बारे की तरह पूड़ियाँ हमारी फूल फूल के तैयार हों गुब्बारे की तरह पूरी देख सकते बिल्कुल अच्छे से फूल गई है अब इन्हें हम पलट देते हैं और गोल्डन होने तक हम इसे उलट पुलट के अच्छे से फ्राई कर लेंगे अगर बड़ा पेन है तो आप एक साथ में दो या तीन पूरियाँ इस तरह से तल सकते हैं तो पहली वाली पूरी हमारी थोड़ी सी गोल्डन कलर की हो गई है और दूसरी वाली पूरी भी बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूल गई है देखिए तो पहली वाली पूरी को हम निकाल लेते हैं बहुत अच्छे से इनका कलर भी आ गया है और दूसरी वाली पूरी देखिए कितने अच्छे से फूल गई है तो बिल्कुल इसी तरह से गुब्बारे की तरह फूली फूली ये पूड़ियाँ बन के तैयार होती है और इस तरह से हम इन्हें ढेर सारी पूड़ियाँ को बना के और तैयार करेंगे इनका कलर भी बहुत अच्छा आता है तो इस तरह से हम बना के इनको तैयार कर लेते हैं और ये हमारी यूपी बिहार की फेमस दाल वाली पूरी बन के तैयार हो गई है ये देखिए एक एक पूरी का कलर भी बहुत अच्छा आया है मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही है कि जो हमने मसाले इसमें दाल वाले भरे हैं कितने अच्छे से इसमें भरे हुए हैं तो आप इस पूरी को कब बना रहे हैं हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस पूरी को आप खीर के साथ खाइए बहुत ही टेस्टी लगती है आई होप कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में